नाज़रीने गिरामी, ईरानी तारीख, ईरानी सकाफ़त, ईरानी तमद्दुन का सातवां दौर असिविलाइजेशन रिक्रिएटेड कहलाता है। आकसार की नज़र में ये दौर सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दौर ने ईरानी तहजीब व तमद्दुन का रुख बदल कर रख दिया। ये दौर 1501 से 1722 तक जारी रहता है जब सफ़वी बादशाह ईरान पर हुकूमत करते हैं। सफ़वी दौर का सबसे पहला बादशाह शेख इस्माइल सफ़वी था जो तुर्कमानिस्तान से ईरान पर हमलावर हुआ और एक नए सिलसिले की बुनियाद रखी जिसको सफ़वी सिलसिला कहते हैं। सफ़वी सिलसिले में मशहूर तरीन बादशाहों में शाह अब्बास का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। सफ़वी दौर में ही तोपखाना ईरान में आया जो इंग्लैंड से मंगवाया गया। ये सफ़वी दौर ही था जिसमें फ़िरका शियाइज़म को पूरी ईरान में रस्मी और ऑफिशियल मज़हब डिक्लेयर किया गया। इसी तरह मसीहियों को सफ़वीज़म के दौर में सफ़ियों में गिरजे बनाने की इजाज़त दी गई और मुकम्मल मज़हबी आज़ादी दी गई। लेकिन ईरानियों ने अपनी तहजीब और तमद्दुन को बिल्कुल नहीं भूला। चुनांचे इस दौर में बहुत सारी तामीरात की गई जिनमें मैदान नक्श जहान का नाम सहर फ़हरिस्त है। ये उस वक्त का सफ़ियों का दारुल खलाफा था जहाँ पे सफ़वी बादशाह तख्त नशीन हुआ करते थे। इसी तरह चहल सतून जैसी खूबसूरत इमारतें जिस पर ईरानी सकाफत और फरंगो तमद्दुन की छाप पड़ी हुई है इसी दौर की बनाई गई इमारतें हैं। ईरानियों ने पारचे बाफी, तजारत अबरीशम, मौसीकी, सूती और रेशमी कपड़े, काशीकारी और बाग और पार्क बनाने के मेमारी में हमेशा सफ़े अव्वल में रहे। लेकिन ईरान में इसी दौर में शियत को फ़रोग मिला और सुनियों को यहाँ से निकाला गया और इसी वजह से बहुत सारे शायरान ईरान से हिजरत करके बरे सगीर पाको हिंद में तशरीफ़ ले गए। बरे सगीर पाको हिंद और मिडल ईस्ट और तुर्की के तमाम ये इलाके सुन्नी मुसलमानों के थे और दूसरी तरफ ईरान में शियाइज़म को रस्मी मज़हब, ऑफिशियल मज़हब डिक्लेयर कर दिया गया था। यही वजह थी कि ईरान अब पूरी दुनिया से कट कर रह गया था। चुनांचे हम देखते हैं कि इसके बाद कोई बड़ा नाम हमें ईरान की तारीख में नहीं नज़र आता। अगर 1785 में कजारी दौर का ख़ात्मा होता है और 1921 में पहलवी दौर शुरू होता है और 1979 में इनकलाब ईरान में आता है जिसे इनकलाब इस्लामी का नाम दिया गया है। हम मसाजिद की बात करते हैं, ईरान में 70,000 मसाजिद हैं। इनकलाब के ज़माने में 25,000 मसाजिद तामीर की गई। इनकलाब से लेकर अब तक सुन्नियों की पूरे ईरान में 1,000 मसाजिद हैं, कलीसा 450 हैं। इसी तरह मजहबी मुकदस मकामात का जिक्र करता जाऊँ कि मशहद, कुम और यज़द और तेहरान, यहाँ पर बहुत सारे मजहबी मकामात हैं जहाँ पर शीए पूरी दुनिया से ज़ियारत की गरज से तशरीफ़ लाते हैं। इसी तरह तारीखी मकामात में 800 से ज़ायद तारीखी मकामात हैं, 34 यूनेस्को के रिकॉर्ड में दर्ज हो चुके हैं। ईरान की मशहूर पैदावार में तेल सहर फहरिस्त है, इसके अलावा गैस, ज़ाफ़रान, पिस्ता और चावल और कालीन जैसी सनतें बहुत मशहूर हैं। ईरानी बहुत खुश खुराक हैं और बहुत सारी ग़ज़ा यहाँ पर दुरुस्त की जाती हैं, बनाई जाती हैं, पकाई जाती हैं, जिनमें कौरमे, सब्ज़ी, आप कुछ तो फिसंजान बहुत मरूफ़ ग़ज़ाएँ हैं ईरानियों की। मकामात सियाहत को देखें तो खलीज फ़ारस, खजर, दमावन, तख्त जमशीद जैसे खूबसूरत जगहों पर पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं। मेमारी की तरफ देखते हैं, तख्त जमशीद, ताके कसरा, अरगे बम, बुर्ज मिलाद, मैदान आज़ादी और मैदान नक्श जहाँ जैसे खूबसूरत मकामात मेमारी में हमें मिलते हैं। जश्न रसूमात में देखें तो 40 जश्न पूरे साल में ईरान में मनाए जाते हैं, जिनमें मशहूर जश्नों में जश्न नौरूज, जश्न चार शंबे सूरी, जश्न सद्दे, सीजदा बदर, शब जल्दा जैसे जश्न हमें नज़र आते हैं। शायर में फिरदोसी, हाफिज़, अतार, सादी, मौलवी, निज़ामी, सनाई और अतार जैसे बड़े नाम हमें मिलते हैं। अदबी किताबों का जिक्र करें तो शाहनामा, अविस्ता, गुलिस्तान बुस्तान, मंतकुतैर, मसनवी, मौलवी, दीवान शम्स और दीवान हाफिज़ जैसी खूबसूरत किताबें हमें मिलती हैं। मज़ाहिब, बड़े बड़े मज़ाहिब में ईरान में ज़रतुश्तिज़्म, बहाइयत और शियाइज़्म
फ़िरके के तौर पर हमें नज़र आते हैं, और 10 से ज़ायद पैगंबरान की कबूर मकबरे ईरान में मौजूद हैं। टूरिस्टों के लिए मैं यहाँ पर अर्ज़ करता चला जाऊँ कि हाफिज़ इस वक्त शिराज़ में मौजूद हैं। हाफिज़ की कब्र मकबरा जहाँ पर टूरिस्ट यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, ये हाफिज़ का टोम है जहाँ पे पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं और आकर ज़ियारत करते हैं। ये तख्ते जमशीद पर खूबसूरत तस्वीर बनाई गई हैं आखा मंशियान बादशाहों की। कूहे बीस्तून एक बहुत ही बहुत बुलंद बाला बुलंदो बाला पहाड़ के ऊपर एक कला तमीर किया गया है, कलाई रूद खान। ये पहाड़ों के दरमियान में एक कला है। गारे अली सदर हमदान में एक गार है जहाँ पर जो गार के अंदर दरिया और पानी है जहाँ पर कश्ती में बैठकर लोग जाते हैं। गुलिस्तान महल बाजार बुजुर्ग तेहरान में मौजूद है जिसको शीश महल भी कहते हैं। कजारी दौर में तमीर किया गया यह खूबसूरत महल ईरानी फन तमीरी की मुंह बोलता सबूत है। यह खूबसूरत मकबरा हज़रत फातिमा मासूमा का है जो कुम में है। हज़रत इमाम रज़ा का मज़ार जहाँ पर ईरानी लाखों ईरानी टूरिस्ट के तौर पर आते हैं। बुर्ज आज़ादी एक बहुत ही खूबसूरत बुर्ज है जो कि मोहम्मद रज़ा शाह के ज़माने में शुरू हुआ और इनकलाब इस्लामी के दौर में यह मुकम्मल हुआ, जो ईरान की आज़ादी, इसकी सकाफ़त, इसके तमद्दुन और इसके फरहंग की मुंह बोलती तस्वीर है। नाज़रीन गिरामी, हमने 7 लेक्चर्स में कोशिश की है कि ईरान की तहजीब, तमद्दुन और इसकी सकाफ़त को आपके सामने बयान किया जाए, और जो नकात बयान किए जा सकते थे और बयान करने के काबिल थे वो बयान किए गए। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको किसी भी किस्म का सवाल पूछना हो या कोई भी तनकीद करनी हो तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।